चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे पेलोड्स की मदद से चांद के बारे में काफ़ी जानकारी मिल रही है। इसरो के वैज्ञानिक चांद पर हुए एक नेचुरल इवेंट के सोर्स का पता कर रहे हैं। चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर कुछ ऐसे बेहद महत्वपूर्ण तत्वों की मौजूदगी का पता लगाया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर लगे उपकरण लगातार चांद को स्कैन कर रहे हैं। इसरो ने एक अपडेट में बताया है कि लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट फॉर द लूनार सेस्मिक एक्टिविटी ILSA ने कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है। यह नेचुरल इवेंट लग रहा है। इसरो के इवेंट के सोर्स का पता लगा रहा है। विक्रम लैंडर पर लगे रंभा LP ने प्लाज्मा एनवायरनमेंट पर मैप प्रकार बनाया है। रंभा से रेडियो वेव कम्युनिकेशन लूनार प्लाज्मा की वजह से आने वाली आवाज़ को कम करने की मदद मिलती है। जब विक्रम और प्रज्ञान अपने 14 दिन के मिशन को पूरा कर लेंगे तब नासा का पेलोड लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर इरे LRA एक्टिव होगा। यह चांद पर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने में काम आएगा। चंद्रयान 3 मिशन के अहम अपडेट के मुताबिक चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लगे हुए एक्मीवेटमेंट में भी चांद के साउथ पोल की सतह पर सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने जब चांद पर सल्फर के साथ अन्य तत्वों का भी पता लगाया। इसरो ने यह कहा कि अब इस बात की खोज कर रहे हैं कि चांद पर सल्फर आया कहां से, या आंतरिक इंस्ट्रिंसिक रूप से मौजूद है, या कोई ज्वालामुखी घटना वोल्केनिक है, या फिर किसी उल्कापिंड मेट्रोइटिक से चांद पर पहुंचा है। इससे पहले रोवर पर लगे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS इक्विपमेंट ने सल्फर की मौजूदगी का पता लगाया है। इस उपकरण में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया था। APX ने चांद की सतह पर सल्फर का पता लगाया है। यह उपकरण सतह के नमूने पर अल्फा कण और एक्सरे फेंकते हैं। नमूने में मौजूद एटम बदले में उसके मौजूद तत्वों के अनुरूप खास तरह की विशिष्ट एक्सरे लाइनें उत्सर्जित करते हैं। इनमें निकलने वाली एक्सरे की एनर्जी और तीव्रता की माप कर रिसर्चर उस सैंपल में मौजूद तत्वों की उनकी प्रचुरता का पता लगा सकते हैं। रोवर ने अपनी जांच में एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन जैसे प्रमुख अपेक्षित तत्वों के अलावा समेत कई दिलचस्प छोटे तत्वों की भी मौजूदगी की खोज की है। करीब 26 किलो वजनी 6 पहियों वाली और सोलर से चलने वाले प्रज्ञान रोवर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पता लगाने का काम कर रहा है कि साउथ पोल में चांद की मिट्टी और चट्टाने किस चीज़ से बनी है। सल्फर की खोज में चांद की संरचना और वह कैसे विकसित हुआ, कैसे आकार में आया, इसके बारे में सुराग मिल सकते हैं। साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी को वाटर आइस यानी जल हिम की मौजूदगी का संकेत माना जा सकता है। यह जल हिम भविष्य में इंसानों की रिहाइश के लिए पानी का स्रोत साबित हो सकता है। इस वाटर आइस में जीवाणु हो सकते हैं जो धरती से बाहर जिंदगी का सबूत साबित कर सकते हैं। इस सल्फर से स्पेस क्राफ्ट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है।